यहाँ पे ये दिक्कतें हैं कि पुलिस वाले मिलते नहीं है, जब जाम लग जाते तो आ जाते हैं, ना फिर बैठे रहते हैं अपना मस्ती मारते, क्या करेगा आदमी। ये कुछ नहीं करते, साइड में बैठे रहते हैं ये। अब देख लो अभी तुम्हारे सामने चला रही होगी, नहीं तो यहाँ बैठे रहते साइड में। तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज्यादा है ना ऐसे में। नमस्कार, मैं हूँ रीमा सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन। इस वक्त हम ग्राउंड रिपोर्ट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त हम लालपुल चौक पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर कई दिनों से जो रेड लाइट है, जो ट्रैफिक जैम को कंट्रोल करती है, वो बंद है और उसकी वजह से ये जो चौराहा है, ये तीन बड़े बड़े मार्गों को जोड़ता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के जो यातायात नियम है उनका भी उल्लंघन हो रहा है और जो लोग हैं वो भी जान जोखिम में डालकर यहाँ से आते और जाते हैं, क्योंकि इधर से एक रास्ता घंटाघर की तरफ जाता है, एक रास्ता ISBT की तरफ जाता है और एक रास्ता इंद्रेश हॉस्पिटल की तरफ जाता है। अगर प्रशासन से ये पूछा जाए तो प्रशासन का ये कहना है कि चुनाव चल रहे हैं, इस वजह से सारे अधिकारी, सारे पुलिस वाले जो है चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन क्या ट्रैफिक का कोई भी ऐसा नुमाइंदा यहाँ पर नहीं है जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके? कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे और जानेंगे कि क्या उनका कहना है, कितनी परेशानियां उन लोगों को सहनी पड़ रही हैं यहाँ पर। और आपको बता दें कि इस तरीके से एक दर्जन चौराहे ऐसे हैं जहाँ पर इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो प्रिंस चौक हो, बुद्धा चौक हो, दून हॉस्पिटल चौक हो, लालपुल चौक जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, सहारनपुर चौक हो या फिर लैंसडाउन चौक हो। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि चिलचिलाती धूप में जब नियमों का उल्लंघन होता है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं तभी जुबा पर कि जब शाम होती है तो शाम को सिग्नल जो तोड़ते हैं, जिनके पास हेलमेट नहीं होता या गाड़ी के पेपर नहीं होते या जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती, तब जो है ये काली वर्दी वाले यहाँ पर आ जाते हैं चालान काटने के लिए, लेकिन दिन में यहाँ पर कोई नहीं होता जब सबसे ज़्यादा ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन होता है और वो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी स्कूटी से, अपनी गाड़ी से, चाहे वो रिक्शा हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो टेम्पो हो, चाहे वो बस हो, उससे जाते हैं। चलिए बात करते हैं। पुलिस अगर यहाँ खड़ी कर दो गाड़ी तो पुलिस वाले चालान काटते हैं, बहुत दिक्कत होती है। इधर से करोगे तो पुलिस वाले हड़काते हैं, कहाँ से चलाएगा आदमी गाड़ी, जब जाम लगेगा तो आदमी इधर उधर तो गाड़ी डालेगा ही, जब जाम में खुल जाएगा तो कौन डालेगा गाड़ी, कोई भी डालेगा। इसमें इतनी दिक्कत है, हमें बहुत दिक्कत है यहाँ से। जब इनसे पूछा गया तो कह रहे कि होम का ये ट्रैफिक वाले तो कोई है नहीं और ये होम गार्ड है, इनका कोई काम नहीं है यहाँ पर, और बाकी जो है वो कोई इलेक्शन में गया है, कोई तीर्थ यात्रा की ड्यूटी में गया है। यहाँ पे ये दिक्कतें हैं कि पुलिस वाले मिलते नहीं हैं, जब जाम लग जाता तो आ जाते हैं, ना फिर बैठे रहते हैं अपना मस्ती मारते, क्या करेगा आदमी। लेकिन चालान काटने के लिए तत्पर रहते हैं, काटने के लिए तुरंत आ जाते हैं, चालान काटना हो तो तुरंत आ जाएंगे कि भैया रॉन्ग साइड साइड लगाओ। यही तो दिक्कत है हमारे को, काम कहाँ से इतना चालान भरेंगे, इतना भयंकर चालान काटे, 500 रुपये पूरे दिन में आदमी कमाता है, 500 का चालान काट देते, क्या ले जाएंगे अगर करो, क्या बच्चों खिलाएंगे हम। इतने दिक्कत है यहाँ पे, बहुत ज्यादा दिक्कत है हमें। ये देखो जाम हो रहा है तो बीच में जा रही है ना, आपने भी देखा था अभी। नहीं, है? ऐसे तो हम भी तो देख रहे हैं, हम भी आधे एक घंटे से आप ही को देख रहे हैं, आप पर जब कैमरा गया आप इसके क्या नाम पेड़ के पीछे छिप गई। तो मैडम अरे जब धूप हो रही है आप देखो ना, ट्रैफिक होता है तो आप धूप हो रही है, आप ये देख रही है की ये जो जगह है कितनी क्रूशियल जगह है, इस काम के जाम लग रहा है मैडम, इस कारण जाम नहीं लग रहा है मैडम, ये जो सीधे जो जा रहा है, ये जो सीधे जा रहा है, आपको वहाँ बीच में खड़ा होना चाहिए। कंटिन्यू वहीं खड़ी रहूं मैडम, बताइए आप कंटिन्यू तो अच्छा, कहीं अगर अनहोनी होती तो इसकी जिम्मेदार कौन है? मुना मैडम, यहाँ अनहोनी नहीं हो, जब ट्रैफिक जाम होता है जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है?
तो जब जाम लगता है तो जाम और आप क्या और कैसे जाम लगेगा मुझे बताओ ना, उधर से लोग आ रहे हैं इधर से जा रहे हैं, तीनों लोग आपस में भिड़ रहे हैं। कहाँ भिड़ रहे बताइए तो आप जरा, मैं आपको अभी कैमरे से दिखाऊंगा, अभी आप दो मिनट रुकिए, अभी आपको दिखेगा। अगर आपकी ड्यूटी है, अगर ट्रैफिक लाइट खराब है और आपकी ड्यूटी है, तो आपको नहीं लगता कि आपको वहां पर जाके ट्रैफिक लाइट का काम करना चाहिए? जी ये तो है। हाँ, तो आप क्या कर रही हैं? तो मैडम थोड़ा धूप में देखो ना आप खुद ही ट्रैफिक, तो मतलब धूप में एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो आप इंतजार करेंगी कि एक्सीडेंट कब हो? नहीं, फिर तो आप कहना क्या चाह रही हैं? हल्का हो रहा तो थोड़ा पानी वानी आप साइड में आ सकते हैं ना मैडम? अरे पानी पीने में कितना टाइम लगता है मैडम, तो कंटिन्यू वही ट्रैफिक में हम भी तो काम कर रहे हैं ना। जी जी जी, ये हम काम नहीं कर रहे हैं धूप में? पानी पीने में कितना टाइम लगता है? 2 से 5 सेकंड। हाँ बस, उसके बाद कि थोड़ा जैसे नॉर्मल होता तो मैं साइड में। अभी क्या हो रहा है ये पीछे पीछे दिखाओ। हाँ तो मैं जा रही हूँ। क्या हो रहा है ये देखिए आपके सामने, तो ट्रैफिक आ रहा है ये देखिए क्या हो रहा है ये, तो निकाल रही जब फंसता है तो मैं निकाल देती हूँ मैडम। मैडम रेड लाइट खराब है, आपको इसका मतलब समझ में आता है? आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है? भाई भागने से काम नहीं चलेगा ना। क्या कह रहे हो? इस चौक में सबसे ज्यादा दिक्कत है, यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, ज्यादा परेशानी होती है। पुलिस वाली क्या कर रही है? ये कुछ नहीं करते, साइड में बैठे रहते हैं ये। अब देख लो अभी तुम्हारे सामने चला रही होगी, नहीं तो यहाँ बैठे रहते साइड में। अभी पकड़ा है तो बोल रही है परेशानी हो रही है, ये चौक पे परेशानी हो रही है। रेड लाइट वगैरह कुछ नहीं है, सामने से ट्रैफिक आ रहा है, इधर से जा रहा है, कोई खतरा भी हो सकता है? नुकसान तो है, खैर कोई इधर से घुस जाता है, कोई इधर से घुस जाता है। हाँ, रेड लाइट होती है तो खतरे वाली बात तो है ही ना। खतरा तो है ही है, रेड लाइट जल्दी अगर, अगर कल को कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा इसका? प्रशासन होगा, कौन होगा? देखिए ये मुख्य चौराहा है, जिस वजह से यहाँ पर जो लोग हैं उनको परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जैसे आपने सुना कि चालान काटने के लिए पुलिस वाले यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, अभी हमने एक महिला कांस्टेबल से बात करी, उनका ये कहना है कि मैं यहाँ कर रही हूँ लेकिन ट्रैफिक के जो पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक के जो प्रशासन है वो कहीं बाहर गए हैं, कुछ इलेक्शंस में गए हैं और कुछ जो हैं वो तीर्थ यात्रा जो चल रही है उसकी ड्यूटी में गए हैं, तो वो भी क्या करें। बहरहाल जब उनसे पूछा गया तो उन्हें बोला कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं साइड में आ जाती हूँ और 2 बजे के बाद जो है वो शिफ्ट चेंज होती है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर जो स्थिति है ट्रैफिक की वो जस की तस बनी हुई है। ये हमने आपको ग्राउंड लेवल पर दिखाया है, क्योंकि ये जो एरिया है ये बहुत क्रूशियल एरिया है और यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है कि अगर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से सही ढंग से संचालित नहीं किया गया। फिलहाल कैमरामैन जय ओब्राय के साथ रीमा सिंह, देहरादून।